सोच करेंगे ये जो सेंटर में इसके नज़र आ रहे हैं इनको रखना चाह रहे हैं, इतना क्रॉप करना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर सकते हैं, ये आपका इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें सारा जो है वो उड़ा रही है, जो आपने क्रॉप किया है वो सिर्फ सिलेक्ट किया है, बाकी एरिया इसने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर आपने एक एरिया से ले लिया, ठीक है, क्रॉपिंग नहीं करना चाह रहे तो ये ऊपर आ भी रहा है, क्लियर क्रॉप करना, ठीक है, तो ये यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। ये सिंपल सा टूल है कि आपने स्पेसिफिक एरिया जो है सिलेक्ट करवाना है अपने दिए हुए इमेज का, शेप का, ठीक है, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं। और डबल क्लिक कर दें, आपका एरिया सेव हो जाएगा। तो ये है क्रॉप टूल का यूज़, सिंपल टूल है बिल्कुल, आपने पहले भी यूज़ किया होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, क्विकली सबको देख लेते हैं। क्रॉप है, उसके बाद नाइफ टूल है, अच्छा ये आपके पास है नाइफ टूल। ये क्या करता है कि नाइफ, जैसा कि इसके नेम से ही है कि जिस तरह आप छुरी चाकू से कोई चीज़ कट करते हैं, ठीक है, ये भी इसका यूज़ भी बिल्कुल उसी तरह, कैसे सिंपल इसका भी जो सिंपल इसका यूज़ देखते हैं, शेप ले लें रेक्टेंगल, तो आप नाइफ ये सेकंड नंबर पे, आपको इसका जो है ना थोड़ा सा एडवांस यूज है नाइफ टूल का, इसमें इसकी सब टाइप्स भी हैं, सब कैटेगरीज भी हैं, तो उनको क्विकली जो है वन बाय वन देख लेते हैं। नाइफ टूल इसको सिलेक्ट किया, ये ऊपर आपके पास है, अगर देखें प्रॉपर्टी बार में तो 2 पॉइंट लाइन जो है वो सिलेक्ट है, 2 पॉइंट लाइन सिलेक्ट है, इसको कैसे करना सिलेक्ट, ये आपके पास शेप है, नाइफ टूल है, 2 पॉइंट लाइन्स वो आपके पास सेलेक्ट है, इधर से इसको सिंपल ड्रैग करें, ठीक है, और अभी इसका यूज़ कैसे हो, नाइफ इसने कटिंग कर दी है, ठीक है, जैसे आपको बताया है कि बिल्कुल उसी तरह यूज़ है जिस तरह आप रियल में जो है नाइफ यूज़ करते हैं, ठीक है, इसने इधर से कटिंग कर दी है जहाँ पे भी आपने लाइन ड्रा की है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसने 2 पार्ट्स में इसको कट कर दिया, ठीक है, इस तरह, ठीक है, इसको खत्म करें, दोबारा से करते हैं, नाइफ में जाते हैं, इसकी आगे देखें आपके पास है फ्री हैंड मोड। फ्री हैंड में क्या था, जिस तरह वो आपने ड्राइंग टूल देखे थे उसी तरह ये है फ्री हैंड टूल, जैसे भी आप इसको उल्टा सीधा कट करना चाहें, नाइफ को आपने टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी घुमाया ये उधर से कटिंग कर देगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह। अच्छा, 1 मिनट बताओ, 1 मिनट आप बताओ। दोबारा करते हैं नाइफ टूल, और ये इसका फ्री हैंड टूल, ठीक है, फ्री हैंड टूल आप जैसे भी है इसकी कर सकते हैं ड्राइंग, जिस तरह वो ड्राइंग के लिए यूज़ कर रहे थे फ्री हैंड, बिल्कुल इसी तरह कट करने के लिए भी यूज़ करें नाइफ टूल के अंदर, ठीक है, ये इधर से इसने कट कर दिया कुछ इस तरह से। सही, अभी इसको वापस जा रहे हैं, फिर नाइफ टूल सेलेक्ट करते हैं, और इसकी आगे देखें आपके पास है बीजियर मोड। बीजियर मोड क्या था, वो पेन टूल के नीचे भी आपने देखा था ड्राइंग के लिए यूज़ हो रहा था, जो इस तरह से आपके पास पॉइंट टू पॉइंट कर्व टू कर्व जा रहा था, जैसे सॉरी सेलेक्ट नहीं करना, थोड़ा सा मिड में कर लेते हैं, ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल जिस तरह ड्राइंग हम करते थे उसी तरह आप इसको कर रहे हैं नाइफ टूल के अंदर यूज, ये देखो कुछ इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी, ठीक है, इसको साइड पे करते हैं, कोई और भी शेप ट्राई कर लेते हैं, लिप्स ही ले लेते हैं, सिंपल वे है, आप कॉम्प्लेक्स जो है वो भी यूज कर सकते हैं,
इसको कलर कर लेंगे। तो अभी दोबारा जो है वो मैं इसी की तरफ जा रहा हूँ, बीजियर टूल, जिसका बीजियर टूल का यूज़ था इसी तरह बीजियर मोड है इसका, इसको सेलेक्ट किया हुआ, तो इसको कर लें इधर से ड्रा कर लें, जिस तरह ड्राइंग के लिए यूज़ होता था बिल्कुल उसी तरह यूज़ कटिंग के लिए भी हो रहा। ये इधर आपको लाइन नज़र भी आ रही है, ये बारीक लाइन है, ये आपको नज़र भी आ रही, तो अभी इसकी कटिंग होगी यहाँ से, ठीक है। बाकी इसका स्ट्रोक है वो आप उसी तरह ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो कट हो गया, इससे पहले आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये नाइफ टूल है, आगे अगर इसको देखें, इसके आगे क्या है, इसके आगे है ऑटो क्लोज। ऑटो क्लोज का आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है। ऑटो क्लोज है कि ये आपने एक टूल लिया, अच्छा इससे पहले सिंपल करके देखते हैं। नाइफ टूल लिया है और ये अभी बीजियर ही कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये बीजियर से कट की है, तो ये देखेंगे जहाँ से कटिंग हुई है मतलब कोई पता नहीं है कि ये कहाँ पे ज्वाइन था, इसके पॉइंट बिल्कुल आगे से जो है ओपन है, ठीक है। इसी तरह जब हमने इससे किया है टू पॉइंट लाइन मोड से और फ्री हैंड से, ये इसके आगे जो है आपको नोड ये ज्वाइन नहीं थे, ये अलग अलग है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह कटिंग होगी, तो अगर हम यूज़ करें इसको क्लोज करें, ठीक है, आगे देखें तो आपके पास है ये ऑटो क्लोज ऑन कट, ये लिखा भी हुआ है ऑटो क्लोज ऑन कट, कि जहाँ पे आपका कट लगेगा वहाँ पे ये आपका पार्ट जो है क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लाइन वाला सिलेक्ट किया और इधर से ऑटो क्लोज सिलेक्ट किया, ठीक है। ऑटो क्लोज अभी आप इसका यूज़ देखेंगे, ये इसने कट भी कर दिया और इनको ऑटो क्लोज भी कर दिया, ये आप कलर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से ये इसने पॉइंट आपके कट भी कर दिए, इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। ऑटो क्लोज कैसे किया है, ये एक शेप ले लेते हैं, कोई सी भी शेप, इसको इधर रख लेते हैं, ठीक है। अभी हम नाइफ टूल का यूज़ कर रहे हैं कटिंग के लिए, डिफरेंट वे से और डिफरेंट जगह से। नाइफ टूल, पहले इसको वे जगह अपन चेक कर लें, नाइफ टूल ये अभी इधर से सिलेक्ट है टू पॉइंट लाइन, और आगे वाला जो इसकी कैटेगरी सिलेक्ट है वो ऑटो क्लोज ऑन कट, जहाँ से कट होगा उसको क्लोज भी करना है, ठीक है। अभी मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो सिर्फ टू पॉइंट लाइन जो है इससे कट करने लगा, ठीक है। इधर से कर लें कट आप, इधर से कर लें, जहाँ से भी आप करना चाहें, ज़्यादा स्ट्रेट होगी, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे तो ये देखें कि इसके पॉइंट जो है वो ज्वाइन नहीं है, ठीक है। अभी तो इसमें कलर है इसलिए डिफरेंस नहीं आपको पता चलेगा, पहले कलर इसका ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये आपको सिंपल नज़र आ रही है, आप नाइफ टूल लें और इसको कट करें यहाँ से, ठीक है। तो ये आप देखें इसकी कटिंग तो हो गई है, ये पॉइंट इसके बिल्कुल ओपन है, ठीक है। इनको कोई कलर करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से कलर के लिए भी यूज़ नहीं होगा, ये जिस तरह एक यूजलेस चीज़ है ना, मतलब उस तरह पॉइंट ज्वाइन नहीं है, वो आपने अगर करने हैं तो बाद में आपको अलग से करने पड़ेंगे, इधर पेन टूल से करते रहे या दूसरी टेक्निक हमने देखी थी ज्वाइनिंग की। तो अभी हम यूज़ करते हैं इसका, वही नाइफ में जाते हैं, नाइफ टूल में, तो टू पॉइंट सेलेक्ट है, आगे इसकी सब कैटेगरी है ऑटो क्लोज ऑन कट, तो जहाँ से आप इसको कट करेंगे ये खुद ही पॉइंट्स आपके जो है वो ज्वाइन करवा देंगे, ऐसे। ये भी इसको देखें, इसने टू पार्ट्स में इसको कर दिया डिवाइड, और इसमें अभी आप कोई भी कलर करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
ये 2 पॉइंट कट जो है खुद ही क्लोज करेगा, जो हमने यूज किया ऑटो क्लोज एंड कट पे लिखा भी हुआ है, इसकी ये कैटेगरी है। तो इसके बाद टेक्स्ट के लिए देखें, ये नाइफ टूल है, इसी को यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। ये इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये नाइफ टूल लिखा है आपके पास, इसको कट करना है टेक्स को। पहले हम शेप को कट किया, अभी टेक्स को करने लगे हैं। फिर जाएं आप इधर ही नाइफ टूल में और सिंपल ये लाइन ही लें, 2 सेगमेंट जो आपके पास 2 पॉइंट लाइन है वही सिलेक्ट करें, फर्स्ट वाला ये आपको ऊपर टॉप लेफ्ट के ऊपर जो इसी को सिलेक्ट करें और इधर इसकी एक लाइन ड्रा कर दें, ठीक है। तो जहाँ पे आपने लाइन ड्रा की है इसने इसकी वहाँ से कटिंग कर दी है, अभी शायद आपको नज़र ना आ रहा। इसका कलर चेंज करें तो ये कुछ इस तरह से आपको इसकी कटिंग भी नज़र आएगी, इसको नीचे करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इसके लिए भी यूज़ होता है कि आपने कलर डिफरेंट करना है तो आप कट करके वो भी क्विकली कर सकते हैं, जैसे अभी ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका कट हो गया, एडिटेबल भी नहीं रहा आपका टेक्स्ट, ठीक है। कोई और टेक्स्ट आप ट्राई करना चाहें वो इसकी सब कैटेगरी जो है नाइफ टूल की उससे ही कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखें, ये नाइफ और इसका फ्री हैंड, आगे इसका बिजियर वो उसी तरह, लेकिन टेक्स के अंदर यही मोस्टली यूज होगा आपका 2.9 जो बिजियर से करते हैं, तो वही इसकी ड्राइंग जिस तरह भी आप करना चाहें ऐसे कोई उल्टी सीधी, ठीक है। इसको यहाँ से आप कटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसने कट कर दिया जहाँ पे भी आपकी ड्राइंग आई है, ठीक है। ये कुछ ऐसे यहाँ से भी आपने सेलेक्ट किया है, इसने कटिंग कर दी है वहाँ से, ये कलर इसका कोई और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, ठीक। यहाँ पे आपने ड्रा दिया था तो उसने इधर से कटिंग कर दी है। और क्या है जी इसमें, नाइफ का हो गया, नाइफ में अच्छा गैप है और ऑटोमेटिक कन्वर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये इनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा लेकिन इनको एक बार देख लेते हैं, वैसे यूज़ के लिए इतना ही काफ़ी है। नाइफ टूल आगे इसकी जो री हुई है टाइप वो भी एक बार देख लेते हैं। नाइफ टूल में जाता हूँ, इधर कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट करके, पहले ऑटोमेटिक था, कीप आउटलाइन, कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में जाएं, ये अपना सिंपल टू लाइन जो है वो यूज करें, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा इसमें। ये देखो पहले क्या था, इसे पूरी इधर से उठा के ये हमने यूज़ किया था ऐसे आ गई थी, कभी कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट किया तो आपका ऑब्जेक्ट जो कट हुआ है वो अलग कर दिया, आपकी आउटलाइन उधर ही रही है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है, ये ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कट हुआ है, बाकी आपका उधर ही है, ठीक है। इसी तरह आगे वाला देखें, नाइफ दोबारा सेलेक्ट करें, कीप आउटलाइंस ये देखें, इसको कट किया, ठीक है। ये इसने अभी कट भी कर दिया, इसको सेपरेट भी कर दिया और आउटलाइन भी इसकी जो है वो आपको नज़र आ रही है, ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये माइनस से डिफरेंट है जो इसकी सब कैटेगरी दी हुई है यहाँ पे, वो आप वन बाई वन जो है वो ट्राई कर सकते हैं। ये भी आउटलाइन भी है और आपका कलर फिल भी है, इससे पहले कन्वर्ट ऑब्जेक्ट था तो आपका आउटलाइन उधर ही रही थी, सिर्फ कलर इसने कट करके नीचे आपको शो करवा लिया, ठीक है। ये नाइफ टूल का यूज़ था, क्विकली हम इसको देख रहे थे, उसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या है, और कोई खास इसमें नहीं है, फाउंडिंग बॉक्स है,
बस यही है इसकी ना, तीन चार टाइप्स और सब टाइप्स, दो तीन की कीप आउटलाइंस, ऑटोमेटिक कन्वर्ट ऑब्जेक्ट, ये दी हुई है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आगे है हमारे पास से विचुअल सेगमेंट डिलीट। विचुअल सेगमेंट डिलीट क्या है? जिस तरह आप ऊपर अपनी करवा रहे थे, शेड्स को ट्रिम कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, ये इसका विचुअल सेगमेंट डिलीट का यूज़ भी कुछ उनसे मिलता जुलता ही है। जिस तरह आप ये ड्रा कर रहे थे सर्कल, ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आप कंबाइन करवाना था या ट्रिम करना था, माइनस करना था, तो कुछ इस तरह से आप कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह आप इनको ज्वाइन करवाना चाह रहे थे, ट्रिम करना चाह रहे थे, कंबाइन करना चाह रहे थे, तो कुछ इस तरह से ये यूज हो रही थी, ठीक है। तो जो आपका विचुअल सेगमेंट टूल है ये भी इनसे मिलता जुलता ही है कि जहाँ पे आपके दो जो ज्वाइन हो रहे हैं आपके पॉइंट्स, यहाँ आपके ऊपर नोड्स आपके मिल रहे हैं, वहाँ से ये कट करने के लिए यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? आप सपोज ये स्ट्रीम एक शेयर नहीं है। एक लिप्स ले लें, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज का बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहे थे विचुअल सेगमेंट डिलीट जो है ये मिलता जुलता है, जिस तरह आप करते थे शेप्स को ट्रिम करते थे, उसके बाद कट आउट सर अब करते मेरे थे, पास ब्लैंक हो गई है सर, अब हो गई है क्लियर। ठीक है। तो विचुअल सेगमेंट टूल जो है आपका, अगर इसको सिलेक्ट करें विचुअल सेगमेंट टूल, ये वहाँ से कट करेगा पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं आपके, जो भी शेप्स आपके इंटरसेक्ट हो रही हैं, नोड्स आपके, एजेस, वहाँ से ये कट करने के लिए यूज़ होगा। कैसे? ये पॉइंट देखें, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है जो है ज्वाइनिंग इनकी यहाँ पे और इधर यहाँ से, तो ये इतना पॉइंट डिलीट कर देगा, ठीक है, ये वाला। और इसी तरह ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक है, इसको ये ट्रिम कर देगा, डिलीट कर देगा। इसी तरह दूसरा पॉइंट ये वाला, ये डिलीट करना चाहें, ठीक है, कोई सा भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो ये कुछ इस तरह से। अभी इनमें कोई आप कलर करना चाहें, ठीक है, सेपरेट कलर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जो स्पेसिफिक पोर्शन है, स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, उनको डिलीट करने के लिए यूज होता है आपका। इसी तरह कोई और शेप ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, दो रिक्टेंगल्स या तीन रिक्टेंगल्स, पहले दो ले लेते हैं, ठीक है, एक इसी की कॉपी कर लेते हैं। कुछ इस तरह से है। सर कट करने के बाद इनमें कलर हो जाएगा? ठीक है, दूसरी अंदर वाली जो है ये, अभी इनको कोई किसी पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है, ये शेप है। कोई और भी ले लेते हैं, इसी की एक कॉपी भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कम्प्लेक्स हो जाए। इसी तरह एक और इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपना जो है विचुअल सेगमेंट वो सिलेक्ट करवाते हैं, लेकिन ये वाला है यहाँ पे हो रहा है विचुअल सेगमेंट, इसको डिलीट कर दें, ये हो रहा है यहाँ से कर दें, और ये वाला यहाँ से, कुछ इस तरह की अगर आप शेप्स बनाना चाहें, ठीक है, ये सेपरेट हो गया, ठीक है, अलग अलग विंडो बन गई आपके पास, जो पॉइंट्स आपके पास इंटरसेक्ट कर रहे थे वो इसने डिलीट कर दिए, काफ़ी इसका यूज़ होगा, ठीक है। इसमें कोई कलर करना चाहें, कोई इसको किसी भी वे से यूज़ करना चाहें, ठीक है, ये ऊपर से सिंपल कलर जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर सेंटर वाले में करना चाहें, ठीक है, तो ये सेंटर में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप शेप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे आप उधर से ट्रिम
माइनस डिलीट कर रहे थे, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा इनसे मिलता जुलता है। तो ये आप इस तरह से कुछ इसका यूज है विचुअल सेट में, जहाँ पे आपके पॉइंट्स लाइंस ज्वाइन कर रही हैं वो पोर्शन आपके डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्विक यूज़ था विचुअल सेगमेंट का। तो कट से होना है, अपना सिलेक्ट करेंगे आप और जहाँ पे आके ये देखें, पहले जो इसकी नोड है, कॉर्नर है इसका, लास्ट वाला कटिंग पॉइंट है वो जिधर आके ये स्ट्रेट हो जाएगा, पहले ओरिजेंटल है, जहाँ पे आके वर्टिकल हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, वो पॉइंट ये डिलीट कर देगा। ठीक है, जिधर भी आप क्लिक करेंगे। तो ये यूज़ है विचुअल सेगमेंट्स का। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। रेजर टूल, इसका यूज़ बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह की लेड पेंसिल के पीछे भी रेजर लगी होती है, जहाँ पे भी आप इसको ड्रैग करें वो एरिया रिमूव कर देता है। कैसे, कोई से भी इसकी शेप ले लें इधर, या कोई और चीज़ ले लें, इसको कलर कर दें। ठीक है, इसका कोई सा भी आपने पॉइंट जो रेज करना है तो रेजर टूल सेलेक्ट करें, सिंपल यहाँ पे आ गए, ये सबसे नीचे रेजर। ठीक है, रेजर ये आपके पास सेलेक्ट हो गया, इसका साइज़ बहुत छोटा है, साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज़ इधर आपके पास आ रहा है ये रेजर थिकनेस। ठीक है, इसको यूज करें तो ये साइज़ इसका बड़ा हो जाएगा, ऊपर जो मेन्यू बार में इसकी वैल्यूज आ रही हैं वहाँ से इसका साइज़ भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इतना एरिया रिमूव करना है वो कर दें, इधर से ये करना है ये कर दें, ये वाला करना है, कोई सा भी आपने पॉइंट जो है सेंटर से इसको करना है, सेंटर से कर दें तो ये आपका रेज कर देगा। ठीक है, जिधर भी आप इसको ड्रैग करेंगे, इसी तरह कोई और शेप ले लेते हैं, रेजर लें, तो यहाँ से आप करना चाहें तो कुछ इस तरह से ये रेज कर देगा। ठीक है, ये इसको अलग कर सकते हैं आप, कैसे, ब्रेक करके आप दोनों को अलग कर सकते हैं, ब्रेक अपार्ट जिस तरह करते थे। ठीक है, इसी तरह किसी लाइन के लिए टू पॉइंट लाइन ले लें एक, ये इस तरह की आपके पास लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट है उसको डिलीट करना चाहें रेजर टूल से, ये लें, यहाँ से आप करना चाह रहे हैं सिर्फ एक बार इसको ड्रैग कर दें वहाँ से, बाकी पोर्शन आप डिलीट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर एक बार रेज कर दें, ये डिलीट हो जाए। ठीक है, इसी तरह इसका आगे स्केयर है, स्केयर करना चाहें, पहले ये सर्कल था, राउंडेड निब है, स्केयर करना चाहें स्केयर कर सकते हैं, स्केयर जो है पूरी ब्लॉक में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये रिमूव कर दें। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कोई खास चीज़ नहीं है, यही इसका यूज़ है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी रेडियस नोड में, ये इनका नहीं है बस। रेजर टूल बिल्कुल सिंपल है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह अगर टेक्स्ट के लिए करना चाहें ये पे रिमूव करना है, सिंपली एक बार उसके ऊपर ड्रैग करें वो एरिया आपका रिमूव हो जाए, ये वन बाई वन हमने देखा टेक्स्ट पर आ गया स्क्रीन, कोई और शेयर थी तो इसको दोबारा देख लेते हैं, ये आपके पास टेक्स्ट है। ठीक है, इसको रेज करना है, इसका कोई पॉइंट रेजर सेलेक्ट करें, इसके दोनों आ रहे हैं राउंडेड निब और आगे जो है स्क्वायर नेम, राउंडेड सर स्क्रीन शेयर कर दें, राउंडेड के लिए ये यूज कर लेंगे, अगर स्क्वायर करना चाहें स्क्वायर नेम यूज कर लें। ठीक है, सिंपल एक बार इसको जहाँ से आप रिमूव करना चाह रहे हैं उसके ऊपर एक बार ड्रैग कर लें तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रेजर टूल का यूज। ठीक है।